हेलो दोस्तों, वेलकम टू शोर एंड प्रोडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। यहाँ पर मैच है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का पहला T20। तो काफ़ी सारा स्क्वाड में चेंजेस हुआ है दोस्तों। MS धोनी स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं अब, तो उस पर हम बात करेंगे दोस्तों, कौन कौन से बेस्ट प्लेयर है और कौन कौन से नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा किसके हाई चांसेस है खेलने के, क्योंकि अगर देखा जाए परफॉर्मेंस वाइज तो किसे मौका मिल सकता है और किसे नहीं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, एक बार फिर से मैं अपील करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। कीपर में आप देख सकते हो दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत, दो इंडियन कीपर के ऑप्शन है। दोनों में अगर कंपेयर किया जाए दोस्तों तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं दिनेश कार्तिक, क्योंकि दिनेश कार्तिक इन फॉर्म चल रहे हैं। जो अभी ट्रॉफी हुआ था देवधर ट्रॉफी, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने, तो उस बेस पे आप इनको ले सकते हो दोस्तों। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे दिनेश कार्तिक। और वहीं पर अगर आपको डाउट है दोनों में से कोई एक खेलेगा, अगर आपको डाउट है दोनों में से कोई एक खेलेगा तो आप दिनेश रामदीन को ले सकते हो, जो सबसे सेफ ऑप्शन है और अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहे थे CPL में। तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख सकते हो। अगर इनको बैटिंग में वन डाउन की डाउन पे रखा जाता है वेस्ट इंडीज़ द्वारा तो अच्छे ऑप्शन होते, जैसा कि देखा जा रहा था T20 मैचेस में वन डाउन आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है इनको नीचे की तरफ पुश किया जाएगा तो चांसेस कम है। दिनेश कार्तिक एक हाई चांस है, 70% चांस है खेलने का, तो आप उनको ले सकते हो। बैटिंग लाइनअप में डेफिनेटली रोहित शर्मा कैप्टन होंगे टीम के, विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं इस T20 सीरीज़ में, तो डेफिनेटली आप रोहित शर्मा को ले सकते हो दोस्तों। इवन कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो जैसे कि परफॉर्म कर रहे थे। और ओपन करेंगे शिखर धवन विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, तो हाई चांसेस है। रोहित शर्मा को और धवन को आप रख सकते हो दोस्तों। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो सकता है क्योंकि शिखर धवन ने अभी तक कोई ODI मैच में परफॉर्म नहीं किया है, तो मे भी इस मैच में परफॉर्म करे तो उनको ग्रैंड लीग में आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अगर उन्होंने परफॉर्म करके दिया तो डेफिनेटली आप एक अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो। उनका ODI सीरीज़ काफ़ी ख़राब गया था दोस्तों, तो उसको नज़र रखते हुए आप उनको रिमूव कर सकते हो। लोकेश राहुल डेफिनेटली खेलेंगे, मनीष पांडे खेलेंगे हाई चांसेस है, तो ये प्लेयर खेल सकते हैं। श्रेयस अय्यर थोड़ा रिस्की है दोस्तों, श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे। लोकेश राहुल को 5 ODI मैच की सीरीज़ में स्क्वाड में लिया गया था लेकिन चांस नहीं मिला, वहीं पे मनीष पांडे को भी नहीं मिला, लेकिन दोनों भी T20 में अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, मिडल ऑर्डर के अच्छे बैट्समैन हैं, तो दोनों के चांसेस हाई है खेलने के दोस्तों। तो इंडिया की तरफ से ये चार बल्लेबाज जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये चारों खेल सकते हैं, इनके हाई चांसेस है। जिसमें से कप्तान रोहित शर्मा इन फॉर्म चल रहे हैं, आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो स्मॉल लीग में। लोकेश राहुल को रख सकते हो और ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों शिखर धवन और मनीष पांडे को एक आधा टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर 6 टीम क्रिएट करते हो तो एक टीम में आप डेफिनेटली इनको ले सकते हो। श्रेयस अय्यर के चांसेस ले से खेलने के। अब बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ बैटिंग लाइनअप की, तो वेस्ट इंडीज़ बैटिंग लाइनअप ने कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया, लास्ट ODI में काफ़ी बुरी तरह ऑल आउट हो गए और काफ़ी सारा चेंजेस है इसमें। अगर बात करें डेरेन ब्रावो, सिमरन हिटमायर, निकल पोरेंस और रोमन पॉवेल और सरफोन रुदरफोर्ड, तो इन पांचों पर अगर नज़र डालूँ मैं तो दोस्तों, अगर एक्सपीरियंस वाइज की बात की जाए तो डेरेन ब्रावो खेलेंगे 100%, सिमरन हिटमायर खेलेंगे, आप इन दोनों को डेफिनेटली रख सकते हो टीम में। वहीं पर निकल पोरेन रोमन पॉवेल में से कोई एक खेल सकता है, या तो फिर यहाँ पर मुझे लगता है निकल पोरेन को चांस मिलना चाहिए क्योंकि रोमन पॉवेल ODI के हिस्से थे और कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उस बेस पे उनको बाहर किया जा सकता है। वहीं पे सिर्फ रुदरफोर्ड एक अच्छा ऑलराउंडर है दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको इतना जल्दी चांस मिलेगा। आप टीम में रिस्क ले सकते हो, 25% के चांसेस है खेलने के और अच्छे खासे बल्लेबाज भी हैं, अंडर 19 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, उस बेस पर आप उनको ले सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से मैं सिमरन हिटमायर, डेरेन ब्रावो को सेलेक्ट करूँगा, ये दो प्लेयर मुझे सेफ लग रहे हैं, दोनों 100% खेलने के चांसेस है, आप इन दोनों को रखिए। सिमरन हिटमायर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख सकते हो क्योंकि सिमरन हिटमायर का ODI सीरीज काफ़ी अच्छा गया, अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, तो आप उस बेस पे उनको टीम में ले सकते हो और उम्मीद कर सकते हो कि वो परफॉर्म करके दे इस मैच में भी। इंडिया की ऑलराउंडर टीम की अगर बात की जाए ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, तो दोस्तों काफ़ी सिंपल है, कुरनल पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर में से कोई एक खेले, लेकिन मुझे लगता है दोनों को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुरनल पांड्या को आप बैक कर सकते हो दोस्तों, या तो दोनों भी नहीं खेलेंगे, लेकिन कुरनल पांडे के हाई चांसेस इसलिए क्योंकि बैटिंग प्लस बल्लेबाजी कर लेते हैं, एक स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है इनका, तो उस बेस पे इनको लिया जा सकता है, कुछ रन करके देंगे अगर टीम को तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, तो कुरनल पांडे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वॉशिंगटन सुंदर ओपन में बॉलिंग करते हैं ओपनिंग में दोस्तों, तो उस बेस पर उनको लिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा इन्हें खिलाएंगे,
तो आप कृणाल पांडे के साथ जा सकते हो। कृणाल पांडे को इसलिए मौका मिल सकता है, मुंबई इंडियंस की तरफ से ये कंटिन्यू खेला करते हैं रोहित शर्मा के साथ, तो काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, तो उस बेस पे इनको लिया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करिए एंद्रे रसल, कार्लोस ब्रेथवेट, केरन पोलार्ड, ये तीनों भी ऑलराउंडर खेल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कार्लोस ब्रेथवेट T20 के कैप्टन है तो हाई चांसेस है उनके खेलने के दोस्तों। वहीं पर एंद्रे रसल टीम में आ चुके, आप जुड़ चुके तो 100% खेलेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे T20 स्पेशलिस्ट हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन डेफिनेटली आप रख सकते हो, क्योंकि गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी दोनों भी करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और अच्छी खासी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, 140+ की बॉलिंग करते हैं, अच्छी खासी स्पीड है इनकी, तो उस बेस पर डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है इस पहले ओपनिंग मैच में। तो आप डेफिनेटली एंद्रे रसल को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, कायरन पोलार्ड को भी टीम में ले सकते हो, क्योंकि कायरन पोलार्ड काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है और सीनियर प्लेयर है इनके टीम में। फेबियन एलेन और वाशिंगटन सुंदर या ऑलराउंडर में रिस्की है दोस्तों, आप इनको मत लीजिएगा, हाई लेस चांसेस है खेलने के, ये नहीं बोलूँगा कि नहीं खेलेंगे, खेल सकते लेकिन लेस चांस है, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए ओपनिंग मैच है तो मे भी इनको लेस चांस मिले खेलने का। तो ये दो प्लेयर आप बाहर करके कोई भी ऑलराउंडर सेलेक्ट कर सकते हो। और बॉलिंग में युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव दोनों डेफिनेटली खेलेंगे, T20 में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं दोनों, तो दोनों को मिस नहीं करना चाहेगा इंडिया टीम। वहीं पे जसप्रीत बुमराह भी डेफिनेटली खेलेंगे, अगर इंडिया जाती है फुल बॉलिंग लाइनअप के साथ तो खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार, ये पांचों गेंदबाज खेल सकते हैं इंडिया की तरफ से दोस्तों, नो डाउट, क्योंकि T20 में अच्छे खासे परफॉर्म करके देते हैं। खलील अहमद थोड़ा रिस्की हो सकते हैं T20 मैच में, लेकिन यहाँ पर युजवेंद्र चहल, बुमराह, कुलदीप यादव और भुवनेश्वर कुमार, तो ये पाँचों खेल सकते हैं। और वहाँ पर कृणाल पांडे को खिलाया जा सकता है सपोर्ट करने के लिए, या तो फिर खलील अहमद और कृणाल पांडे अच्छे गेंदबाज के साथ इंडिया उतरना पसंद करेगी, क्योंकि कृणाल पांडे अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं गेंदबाजी में। अगर कप्तानी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। ग्रैंड लीग में आप भुवनेश्वर कुमार को ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये तीन आपको स्मॉल लीग में भी हेल्प करके दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि तीनों के पास वो काबिलियत है विकेट निकालने की, तीनों अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं एक अच्छे लेंथ पे, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग अटैक की अगर बात करें दोस्तों, थोड़ा डाउटफुल है, उमेश यादव को अगर देख लिया जाए तो उमेश यादव को चांसेस कम है मिलने के। स्क्वाड में उमेश यादव और शहबाज नदीम दोनों को लिया गया, लेकिन दोनों के चांसेस कम है खेलने के दोस्तों, मुझे नहीं लगता इनको रोहित शर्मा चांस देंगे, तो ये दोनों थोड़ा रिस्की लगते हैं मुझे, क्योंकि काफ़ी इंडियन बॉलर खेल रहे इस मैच में, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। और वहीं पर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अगर नज़र डाला जाए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो रहेंगे एस्ले नर्स रहेंगे, फास्ट गेंदबाज मैकेड ओबी को लिया जाएगा क्योंकि कोई तेज़ गेंदबाज नहीं है, कीमो पॉल, ओसन थॉमस, ये चार गेंदबाज हो सकते हैं। वहीं पर अगर परफॉर्मेंस वाइज की बात की जाए तो खेरी पेरी भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको चांस मिलेगा, तो ये चार गेंदबाज हो सकते हैं इनकी तरफ से। एस्ले नर्स जो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, कीमो पॉल भी अच्छे खासे बैटिंग ऑलराउंडर है दोनों, ओबेड मैकी और थॉमस को लिया जा सकता है तेज़ गेंदबाज। स्पिनर में एस्ले नर्स हो गए दोस्तों जो स्पिन करके देंगे आपको, और वहीं पर उनका साथ देने के लिए आ सकते हैं कार्लोस ब्रैथवेट, एंद्रे रसल, अगर उस बेस पे देखा जाए तो एस्ले नर्स, कीमो पॉल, मैकेडोबी और खैरी पेरी खेल सकते हैं। ओसन थॉमस भी थोड़ा रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो खैरी पेरी स्पिनर है, तो स्पिन अगर बढ़ाना चाहेगा वेस्ट इंडीज़ तो खैरी पेरी और एस्ले नर्स दोनों स्पिनर होंगे, तो इन दोनों को खिलाया जाएगा। आप यहाँ पर एस्ले नर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, क्योंकि उनमें वो बात है। आप टीम बनाना हो दोस्तों तो आप किस तरह से टीम क्रिएट करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक टीम बनाया है, सिमरन रोथफर्ड को मैंने ग्रैंड लीग में रिस्क लिया है, मुझे लगता है ये 100% नहीं खेलने के चांसेस है, लेकिन अगर खेलते हैं तो ग्रैंड लीग जीतने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो रुदरफोर्ड को लिया, कृणाल पांडे भी रिस्की है दोस्तों, लेकिन मैंने रिस्क लिया है, दो प्लेयर रिस्की है, दोनों पे रिस्क लिया है मैंने। बाकी रामदीन, लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, सिमरन हिटमायर, एंद्रे रसल, पोडार्ड, कुलदीप यादव 100% खेलेंगे, चहल थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, एस्ले नर्स खेलेंगे, मैंने तीन रिस्की प्लेयर को अपने टीम में रखा है। आप चाहिए तो आप सेफ प्लेयर ले सकते हो, वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली आप एक सेफ टीम बना सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप टीम क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर आप ला सकते हो दोस्तों दिनेश कार्तिक को, तो यहाँ पर आप दिनेश कार्तिक को ले सकते हो। और वहीं पर बैटिंग में अगर चेंजेस करना हो तो रुथफर्ड को निकाल सकते हो आप, क्योंकि क्रेडिट मैनेज करने के लिए मैंने उनको रखा था टीम में, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे दोस्तों निकल पोरेंस, उनको ले सकते हो आप, थोड़ा रिस्की होंगे लेकिन एज़ कम्पेयर अदर्स अच्छे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर आप गेंदबाजी में चेंजेस के तौर पे ले सकते हो दोस्तों, युजवेंद्र चहल को बाहर करके आप ले सकते हो,
ओबेड मैके को ले सकते हो आप टीम में, वहीं पर खीमो पॉल। तो इस तरह से आप टीम चेंज कर सकते हो और आपका एक सेफ टीम बन जाएगा दोस्तों। कैप्टन वाइस कैप्टन इंद्रे रसल को रख सकते हो, स्मॉल लीग में रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन रख सकते हो। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्द जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।